फर्जी दरोगा विक्रम कुमार को मानसी पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस की वर्दी पहनकर कर रहे थे ड्यूटी। बड़ी खबर खगड़िया से, जहां फर्जी कागजात एवं फर्जी आईडी कार्ड बनाकर एक माह से अधिक दिनों तक मानसी थाना में रहकर प्रशिक्षण के लिए आए प्रशिक्षु फर्जी दरोगा विक्रम कुमार को मानसी पुलिस को आखिर गिरफ्तार करना पड़ा। आपको बताते चले कि फर्जी दरोगा विक्रम कुमार मानसी थाना में एक माह से अधिक दिनों तक रहकर वर्दी पहनकर सरकारी कार्यों का निपटारा कर अवैध उगाही में संलिप्त था। हालांकि इस एक माह के दौरान फर्जी दरोगा विक्रम कुमार का तब जानकारी होने लगा जब मानसी थाना में सहित आसपास के लोगों में चर्चा होने लगी। इतना ही नहीं, फर्जी दरोगा वरीय पदाधिकारियों के साथ भी वर्दी पहनकर क्षेत्र भ्रमण कर रहा था। हालांकि इस दौरान मानसी थानाध्यक्ष दीपक कुमार को जब इसकी भनक लगी और जब उससे खगड़िया पुलिस लाइन से मानसी थाना में प्रशिक्षण के तौर पर पदस्थापन लेटर की मांग की तो उसने पत्र का बहाना बनाकर मानसी थाना से भाग खड़ा हुआ और इस दौरान फर्जी दरोगा का फोटो एवं ऑडियो भी वायरल हुआ। इस दौरान आरटीआई कार्यकर्ता मनोज मिश्रा ने खगड़िया एसपी और पुलिस के अन्य पदाधिकारियों को पत्र लिखकर इसकी भंडाफोड़ करते हुए जांच एवं कार्रवाई की मांग की। मामला काफी तूल पकड़ता गया और इस दौरान सोशल मीडिया पर फर्जी दरोगा का ऑडियो और तरह तरह का फोटो भी वायरल हुआ। वहीं जांच का जिम्मा खगड़िया सदर डीएसपी सुमित कुमार को दिया गया, जहां जांच में डीएसपी ने अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए इतना बताया था कि फर्जी एवं अवैध रूप से विक्रम कुमार कार्य कर रहा था। वहीं मानसी पुलिस ने भगोड़ा फर्जी दरोगा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हालांकि अभी भी सवाल एवं प्रश्नवाचक चिन्ह उठ रहा है, आखिरकार इन फर्जी दरोगा को रखने एवं रखवाने में किन किन अधिकारियों का हाथ है एवं आज तक उन अधिकारियों पर खगड़िया के पुलिस कप्तान यानी एसपी ने क्यों नहीं खुलासा किया एवं कार्रवाई कर रहे हैं, यह एक बड़ा सवाल है। पुलिस कप्तान द्वारा प्रेस विज्ञप्ति में इतना बताया गया कि फर्जी तौर तरीके से फर्जी दरोगा विक्रम कुमार मानसी थाना में रह रहा था, जहां मानसी थानाध्यक्ष द्वारा वरीय पदाधिकारी को इसकी जानकारी नहीं दी गई, जहां मानसी थानाध्यक्ष पर विभागीय कार्रवाई के लिए लिखा गया है। मानसी थानाध्यक्ष दीपक कुमार द्वारा बताया गया कि विक्रम कुमार से जब डीओ लेटर लाने को कहा गया तो उसने लाने की बात कहकर भाग खड़ा हुआ और जहां खगड़िया से इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इधर पकड़े गए फर्जी दरोगा ने बताया कि दलाल के द्वारा फर्जी कागजात एवं आईडी बनाकर हमें खगड़िया पुलिस लाइन भेजा गया और पुलिस लाइन से हमें मानसी थाना भेजा गया। यह बात भी कितना सच है एवं झूठ है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या मामला है ब्रा बाबू फर्जी दरोगा का? फर्जी तरीके से विक्रम कुमार थाना में योगदान दिए थे, उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है, प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। एफआईआर क्या दर्ज किया गया? वही फर्जी तरीके से योगदान देना, वर्दी पहनना। अच्छा, आखिर इसका कहानी क्या है? उसका कहानी यही है कि ये ज्वाइनिंग लेटर लेके यहाँ पर आए हुए हैं। अच्छा, और डीओ के प्रत्याशा भी डीओ आ रहा है। अच्छा, पर ये आए थे, जांच पड़ताल किया गया, जांच पड़ताल के पास बाद ये फर्जी इसी चीज निकल गए थे। अच्छा, लाइन में योगदान देने के शिकायत के निकले थे, लाइन में भी नहीं पहुँचे थे। अच्छा, उसके बाद जाँच पड़ताल हुआ थी, फर्जी निकले, गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी हो गई। कहाँ से गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तारी हुई है खगड़िया से। अच्छा,